नमस्कार, स्वागत है आपका फिल्मी बीट में। आपके साथ मैं हूँ दीपिका नयाल। बिग बॉस की शुरुआत हुई थी 14 सितंबर को, लेकिन अभी शो को पूरे 3 महीने हो चुके हैं, लिहाजा शो अपने आखिरी पड़ाव पर है और माना जा रहा है कि बिग बॉस फिनाले जल्द ही हो सकता है। और हाल ही में सुरभि राणा ने टिकट टू फिनाले वाला टॉस जीतकर लोगों को चौंका दिया है। सुरभि राणा सीजन की पहली फाइनलिस्ट बन चुकी है जो फिनाले में पहुंची है, लिहाजा बार बार फैंस के दिल में ये सवाल आ रहा है कि आखिर शो का फिनाले कब होगा। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि शो का फिनाले कब होने वाला है। इस शो का फिनाले अगले हफ्ते होगा। जी हाँ, बीते एपिसोड में रोमिल एक जगह कहते हुए नजर आए थे कि अब घर में सिर्फ 10 ही दिन बचे हैं। ऐसे में अनुमान लगाया जाए तो 10 दिन बाद यानी कि 30 दिसंबर को ही इस शो का आखिरी दिन होगा, यानी कि 30 दिसंबर को ही हमें पता चलेगा कि बिग बॉस सीजन 12 कौन जीतने वाला है। 30 दिसंबर को ही शो का फिनाले होने वाला है, ऐसा माना जा रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल ये भी है कि शो का फिनाले किन किन प्रतियोगियों के बीच में हो सकता है। जाहिर सी बात है, श्रीसंत और दीपिका का नाम पक्का माना जा रहा है। वहीं माना ये भी जा रहा है कि रोमिल चौधरी की जगह दीपक ठाकुर फिनाले में पहुंच सकते हैं, यानी कि टॉप 3 में दीपक ठाकुर भी अपनी जगह बना सकते हैं। वैसे आपको बता दें कि सुरभि राणा को छोड़कर घर के सभी लोग नॉमिनेट हैं और इस हफ्ते कोई घर से बेघर भी हो जाएगा। लेकिन माना यह भी जा रहा है कि इस हफ्ते घर में डबल इविक्शन होगा, क्योंकि घर में 7 सदस्य हैं जिनमें से 2 को घर छोड़ना पड़ेगा। अब माना यह जा रहा है कि वो करणवीर वोहरा और सोमी खान हो सकते हैं। बहरहाल अभी कुछ भी कहना मुश्किल है, लेकिन इतना तो तय है कि इस हफ्ते डबल इविक्शन होगा और उसके बाद घर में बचेंगे कुल 5 सदस्य जिनके बीच होगी फिनाले की जंग। देखना होगा बिग बॉस 12 का ताज किसके सर सजेगा। खैर, हमारे इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन बाकी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।